सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो WR भी है हमारे सामने, 2022 वेरिएंट है और इसका हेड लाइट काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप। तो इसका फ्रंट लुक अभी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी सिल्वर टाइप का फिनिश मिल जाता है होंडा सिटी की तरह, और यहाँ पे इसका जो ग्रिल है वो प्लास्टिक टाइप का ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो इसका ओवरऑल लुक दिखा देते हैं आपको। काफ़ी वाइड लगता है ये SUV। इसका LOI डायमंड कट ही मिल जाता है आपको, और यहाँ पे जो डोर हैंडल्स है वो सिल्वर टाइप का मिलता है। पीछे से इसका लुक कुछ इस तरह का आ रहा है। WRV का बैजिंग मिल जाता है और ये लाइट काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये देख सकते हैं सिल्वर टाइप का फिनिश मिल जाता है इसमें, और यहाँ हाईटेक की बैजिंग मिल जाती है, और लाइट काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब थोड़ा सा नीचे लुक, थोड़ा सा राउंड टाइप का लाइट दिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आपको सिल्वर टाइप का फिनिश मिल जाता है। तो इसके इंटीरियर की तरफ अभी चलते हैं। तो वैसे आ चुके हैं इसके इंटीरियर की तरफ, तो देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी वाइड लग रहा है। और इधर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे सिल्वर टाइप का फिनिश मिल जाता है, और यहाँ सिल्वर टाइप का डोर हैंडल्स मिल जाता है, और यहाँ विंडो से कंट्रोल्स दे रखे हैं जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको बोतल का होल्डर, यहाँ पे आपने पानी वानी रख सकते हैं, देख सकते हैं ड्राइवर के साइड ही दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा है ये पानी रखने के लिए यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे AC मिल जाता है आपको, और ये ऐसे मूव भी करता है। बाकी यहाँ पे कंट्रोल्स दे रखे हैं, क्रूज कंट्रोल इसमें आ जाता है। ये थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ा अपग्रेड कर सकते थे, ये थोड़ा दो तीन बटन के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है। और यहाँ पे आपको हेडलाइट कंट्रोल्स हैं, इंडिकेटर्स कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल मिल जाते हैं। इसके स्क्रीन की तरफ आते हैं तो ये ब्लू टाइप का मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है स्क्रीन, अभी देख सकते हैं आप। और यहाँ पे सब मॉनिटर कर रहा है, जैसे टेम्परेचर है और टाइमिंग वगैरह दिखा रहा है, फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। डिजिटल आपको नहीं मिलता, ये एनालॉग मिल जाता है। तो वैसे इधर की तरफ आते हैं तो इसका स्क्रीन 9 इंचेस का आपको मिल जाता है, और यहाँ कंट्रोल दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, म्यूज़िक कंट्रोल वगैरह सब दे रखा है। और इधर की तरफ आते हैं तो AC इसका टच वाला मिल जाता है आपको, जो कि काफ़ी अच्छा, देख सकते हैं फ़ैन स्पीड ये इंक्रीज़ हो रहा है अभी, और यहाँ से टेम्परेचर वगैरह सेट होता है सब, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ डिफॉगर वगैरह कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है AC का, जो कि टच स्क्रीन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये सबसे अच्छा इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देख सकते हैं, ये रेड टाइप का जलते रहता है लाइट इसमें, देख सकते हैं आप, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ बॉटल कैप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे USB पोर्ट वगैरह मिल जाता है, चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। और इसका रिवर्स कैमरा अभी आपको दिखा देते हैं। इसका रिवर्स कैमरा कुछ ऐसा दे रखा है गाइस, क्वालिटी ठीक ठाक है, और यहाँ पे ऐसे चेंज हुआ था, ये देख सकते हैं आप। तो ये गाइस 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है ये गाइस। और इधर की तरफ आते हैं तो आर्मरेस्ट मिल जाता है, ये जो यहाँ पे जो लेदर का यूज किया गया है ब्लैक टाइप का, यहाँ पे स्टिचेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये ऐसे यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाता है। इसका आर्मरेस्ट थोड़ा सा लंबा टाइप का दे रखा है, और यहाँ पे आपको अंदर में चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, ये WRV के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे से ओपन हो जाता है। इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लाइट के स्विचेस मिल जाते हैं, और यहाँ पे सनरूफ ऐसे ऑन हो जाता है, वन टच ऐसे ऑन हो जाता है सनरूफ, इसमें सनरूफ दे रखा है, और यहाँ से फिर वन टच, ये यहाँ से फिर वन टच ये क्लोज हो जाता है। तो AC वेंट जस्ट लाइक पुराने वाले होंडा सिटी जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है, देख सकते हैं आप। और इसमें आपको जो सीट एडजस्टमेंट है आगे पीछे करना तो मैनुअली होता है, देख सकते हैं आप, मैनुअली हो रहा है। और हाइट एडजस्टमेंट भी इसमें मैनुअली दे रखा है। तो गाइस चलते हैं पीछे की तरफ और बताते हैं आपको। और RPM फोल्ड अनफोल्ड इसमें गाइस
ऑटोमेटिक मिल जाता है, देख सकते हैं फोर लाइन फोल्ड यहाँ से हो रहा है। गियर बॉक्स की तरफ आते हैं तो ये जो सिल्वर टाइप का फिनिश दे रखा है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस इस गाड़ी में। तो बैक की तरफ अब चलते हैं और बताते हैं आपको। बैक की तरफ आते हैं तो गाइस लुक ऐसा आ रहा है कुछ इस गाड़ी का पीछे से, और यहाँ पे लाइट आपको मिल जाता है, देख सकते हैं ऐसे ऑन हो जाता है ये। और ये गाड़ी है गाइस 40 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, और इसमें 363 लीटर का बूट स्पेस है। और इधर की तरफ सेम जस्ट लाइक फ्रंट सिल्वर टाइप का आपको फिनिश मिल जाएगा, और यहाँ पे डोर हैंडल्स पे भी सेम वही मिल जाएगा, और स्पेस काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी में गाइस, देख सकते हैं आप स्पेस काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से यहाँ पे रियर एसी वेंट मिसिंग है, जो कि आपको रियर एसी वेंट यहाँ पे नहीं मिलता आपको इस गाड़ी में। और खूबसूरत है इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत, तो स्पेस काफ़ी अच्छा है 5 सीटर के हिसाब से आपको। और ये 1.5 लीटर मिलता है आपको वेरिएंट पे, ये टॉप मॉडल है एक्चुअली, सनरूफ के साथ आता है। और चलते हैं इसके बूट की तरफ और स्पेस दिखाते हैं आपको कितना मिलता है इस गाड़ी में। गाइस इसके बूट की तरफ आते हैं तो ये आपको 368 लीटर का मिल जाता है बूट स्पेस पे, इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा दे रखा है, 368 लीटर का बूट स्पेस में मिल जाता है आपको। और यहाँ लाइट दे रखा है जो कि आपको रात में हेल्प करेगा लगेज वगैरह कैरी करने में, और यहाँ से आपको क्लोज हो जाता है। तो गैस अभी मैं साइड में बैठा हूँ, तो साइड से देख सकते हैं लुक, मतलब फ्रंट का काफ़ी अच्छा आ रहा है। और इसमें इसका जो डैशबोर्ड है उसमें ऐसे ओपन हो जाता है, स्पेस थोड़ा कम है लेकिन मतलब अब सामान इजी आ जाएगा इसमें। और यहाँ पे आपको सिल्वर टाइप का फिनिश मिल जाता है फ्रंट में, काफ़ी अच्छा लग रहा है पैसेंजर राइट पैसेंजर के साइड में। और यहाँ पे रिसेंट वेंट पे भी आपको सिल्वर टाइप का फिनिश मिलता है।